और भीषण हो चली है, लिहाजा हिजबुल्लाह की ओर से भी अटैक किया गया। हिजबुल्लाह की ओर से इसराइल के उत्तरी इलाके में यहाँ पर यह स्ट्राइक की गई है, जो सीमावर्ती इलाके यहाँ पर रॉकेट दागे गए हैं, यानी कि हिजबुल्लाह की ओर से किया जा रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इसराइल पर हमला किया है। उत्तरी इसराइल में यहां पे हिजबुल्लाह की ओर से अटैक किया गया, हमला किया गया, सीमावर्ती इलाकों में हिजबुल्लाह की ओर से रॉकेट दागे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो युद्ध यहां पे छेड़ा गया है वो है आईडीएफ की ओर से, क्योंकि यहां पे अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है, ग्राउंड ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह की ओर से भी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के 5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन यहां पे हिजबुल्लाह की ओर से भी जवाबी प्रहार किया जा रहा है। जवाबी प्रहार के तौर पर उत्तरी इसराइल में हिजबुल्लाह की ओर से रॉकेट दागे गए हैं। लेकिन ये जो रॉकेट दागे गए हैं ये कितने प्रभावी हैं, ये अपने आप पे सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच देखिए फुल एक्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि सितंबर के महीने में जो जिस तरीके से यहां पे हमने देखा था कि थोड़ी बहुत शांति दिखाई दे रही थी, कम हमले हो रहे थे, लेकिन सितंबर के आखिरी हफ्ते में जिस तरीके से आईडीएफ की ओर से हमले तेज कर दिए गए, पहले पिछले अटैक किया गया, स्ट्राइक की गई और ग्राउंड ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन अब हिजबुल्लाह भी यहां पर चुप होने का, शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हिजबुल्लाह की ओर से भी उत्तरी इसराइल पर अटैक किया गया, रॉकेट दागे गए। और देखिए बेरूत को टारगेट किया जा रहा है, इसराइल की तरफ से लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि किस तरीके से लगातार इसराइल बेरूत के जो एयरपोर्ट है उसको टारगेट कर रहा है। ये देखिए ये बेरूत रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर हवा में मार करने वाली मिसाइलों का अड्डा यहाँ पर है और बच्चों के खेलने की जगह भी है, स्कूल भी है यहाँ पर। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं जिसको ध्वस्त किया गया है इसराइल की तरफ से। देखिए पूरी तरीके से धुआं धुआं यहाँ पर नजर आ रहा है। बेरूत में काफी समय से इसराइल लगातार हमले कर रहा है, दक्षिणी बेरूत को निशाना बना रहा है और कई लोग ऐसे हैं जो वहां से पलायन भी कर चुके हैं सीरिया की तरफ। लेकिन ये जो धुएं का गुबार है ये उसी का है जब एयर स्ट्राइक इसराइल की तरफ से की गई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, बेरूत के एयरपोर्ट पर। देखिए एक बार फिर से आपको बताते हैं, बेरूत रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये वो एयरपोर्ट है जहां पर हमला किया गया। वहीं उससे लगभग 1.5 किलोमीटर दूर यहां पर जो स्कूल का बच्चे का स्कूल है वो भी है और वहीं खेलने का ग्राउंड भी है। तो देखिए किस तरीके से लगातार निशाना बनाया जा रहा है और मलबे में तब्दील यहां पर एयरपोर्ट को किया गया है। लगातार जमीनी हमले की तैयारी आईडीएफ कर चुका है, ट्रेनिंग ले चुका है, अब उसके लिए अग्रसर है। तो भीषण युद्ध के बीच आईडीएफ की ओर से बड़ी बैठक की गई है, स्ट्रैटेजी तय की गई है। आईडीएफ की ओर से मीटिंग की तस्वीर निकल के सामने आई है, जहां पे आईडीएफ की ओर से नसरुल्लाह की मौत के बाद, नसरुल्लाह के खात्मे के बाद बड़ी बैठक की गई है और इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। बेशक नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद आईडीएफ ने इस मुद्दे को लेकर के यहाँ पे जो बैठक की है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तस्वीर दिखा रहे आपको। देखिए आईडीएफ की बड़ी बैठक की ये तस्वीर है, जहां पे आईडीएफ के जो आला अधिकारी है उनकी ओर से इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद, नसरुल्लाह के खात्मे के बाद कैसे यहाँ पे हिजबुल्लाह की कमर और आगे तोड़नी है, किस तरीके से जो ऑपरेशन चल रहा है ग्राउंड ऑपरेशन उसको भी लेकर के यहाँ पे रणनीति तय करते दिखाई दे रहा है। आईडीएफ के यहाँ पे तमाम आला अधिकारी और जो आईडीएफ फोर्सेस है उनकी ओर से ये बड़ी बैठक की गई है। बड़ी बैठक की तस्वीर निकल के सामने आई है, जहां पर अब किस तरीके से हिजबुल्लाह के इलाकों में अटैक करना उसको लेकर रणनीति यहाँ पर तय की जा रही है, स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। और एक तरफ जहां इसराइल के लेबनान पर हमले जारी हैं और इसराइल चुन चुन कर अपने दुश्मनों का खात्मा कर रहा है, वहीं अब भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर इराज इलाही ने भारत से बड़ी उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि भारत को इसराइल पर दबाव डालना चाहिए और ये जो युद्ध चल रहा है उसे रुकवाना चाहिए। तो ईरान के राजदूत ने इसराइली वायुसेना के हमले में मारे गए नसरुल्लाह को लेकर भी बड़ा दावा कर दिया है। क्या कहा है ये सुनवाते हैं। The martyrdom of Hassan Nasrallah as a great leader, as a great politician of Lebanon and a well-known man in the world is not a small thing. It's a big loss for all human being. All human being. I mean, not just for Muslim, not just for Shia, not just for Lebanese, for all our Arabs. It is a loss for all people in the world. As I mentioned, Hezbollah is a political party. It is not a terrorist group. They are claiming Hezbollah and calling Hezbollah as a terrorist group to justify their massacre, their bloodshedding and their attacks to the innocent people and their hostility in the region. So how's the tenor? How peace will come? They stop an invasion and attack by military attack by Israel.
just the main solution. So what do you think India should, what steps should India take? Not only India, all country, we hope that can do their and use their influence on Israel to stop its invasion on Palestine and Lebanon. और ये जंग और भी ज्यादा भीषण होती जा रही है। किस तरीके से देखिए, भारत को अब ये कहा जा रहा है कि वो भी बात करें, दबाव बनाए। आप देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आईडीएफ का बदला किस तरीके से शुरू हो चुका है। जमीनी हमला यानी कि ग्राउंड ऑपरेशन अब आईडीएफ का शुरू हो गया है। 2006 के बाद लेबनन में घुसे इजरायली सेना के जवान, इससे पहले 2006 में ग्राउंड ऑपरेशन इस तरीके का हुआ था और अब हो रहा है। आईडीएफ हिजबुल्ला के बीच 33 दिनों तक जंग चली थी उस वक्त भी। तो आपको बता दें, जंग में 1100 से ज्यादा लेबनानी मारे गए थे। 2006 की बात कर रहे हैं जब ये खूनी जंग हुई थी। इजराइल के 165 लोगों की युद्ध में मौत हुई थी, 1100 लेबनानी मारे गए थे और वहीं इजराइल के 165 लोगों की युद्ध में मौत भी हो गई थी। तो देखिए किस तरीके से उस समय जो ग्राउंड ऑपरेशन किया गया था इजराइल की तरफ से, ये आपको बताया है। तो जिस तरह से इसराइल की ओर से स्ट्रेटजी बनाई जा रही होगी, आपको याद होगा कि किस तरीके से जो हमास चीफ था इस्माइल हानिया की मौत के बाद भी इसराइल रुका नहीं, लगातार हमले किए जाते रहे। इसी बीच जिस तरीके से हिजबुल्ला के चीफ हमास के बाद, अब जो नसरुल्ला की हत्या यहां पर की गई, उसको ढेर किया गया, उसके बाद भी इसराइल यहां पर रुका नहीं, उसकी ओर से लगातार ग्राउंड ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। वही यमन में जो हुती विद्रोही, उनका भी जवाब दिया जा रहा है। लेकिन ईरान के मामले में रणनीति यहां पर बदल गई है। ईरान के मामले में इसराइल की ओर से वहां के लोगों के दिमाग के साथ खेला जा रहा है ताकि इसमें जीत हासिल की जा सके। लेकिन आखिर ये कैसे संभव हो पा रहा है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। इसराइल एक साथ तीन मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। हमास, हिजबुल्ला और हुती पर कहर बरपा रहा है। अपने दुश्मन के खात्मे को लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं। हमास के पहले हमले के बाद वो कई बार अपनी आखिरी चेतावनी को दोहरा चुका है। वो चेतावनी है दुश्मन का समूल नाश। इसराइल ने हसन नसरल्लाह को मारकर हिजबुल्ला को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया। तेल अवीव पर हूती के ड्रोन और मिसाइल अटैक के बाद इसराइल ने यमन में ऑपरेशन हूती दहन शुरू किया, जो यमन विद्रोहियों पर आईडीएफ के ये सबसे बड़े हमले हैं। इसराइल के आक्रामक तेवर से साफ है कि वो अब रुकने वाला नहीं है। अब वो अपने दुश्मनों का संपूर्ण विनाश करने के बाद ही रुकेगा। एक तरफ ट्रिपल एच को मिट्टी में मिलाने के इरादे से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं इनको समर्थन देने वाले ईरान पर आंखें तरेर रहा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सीधे शब्दों में ईरान के सुप्रीम लीडर को चेतावनी दे रहे हैं। पहले ईरान और अब मिडिल ईस्ट तक अपनी पहुंच गिना रहे हैं। There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. नेतन्याहू की बातों से साफ है कि अपने दुश्मन को लेकर उनके इरादे स्पष्ट हैं और अब वो रुकने वाले नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई को धमकाया, फिर उन्हीं के गोविंदा को गोली लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक्टर गोविंदा को कोकिलाबेन अस्पताल में उसके बाद भर्ती भी कराया गया है। गोविंदा के दाहिने पैर में गोली लगी है, ये जो जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, फिल्म एक्टर गोविंदा